सब्सक्राइब कीजिए एस्केपी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया ट्यूटोरियल एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। शॉपिंग तो आपने बहुत की होगी और दोस्तों आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो सोशल मीडिया का यूज़ ना करता हो। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दोस्तों इन सभी को सबको ही आजकल यूज़ करता है। लेकिन दोस्तों अमेज़ॉन से आप शॉपिंग करते हैं, वहाँ पैसा देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर उसी शॉपिंग करने का आपको पैसा मिलने लगे उसी अमेज़ॉन, उसी फ्लिपकार्ट से और उसी स्नैपडील से तो कितना अच्छा हो। सो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग। दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग वो एक सिस्टम होता है जो कि इन्हीं ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और उसमें मतलब एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक डैशबोर्ड मिलता है। उस डैशबोर्ड में आपके सामने एक लिंक शेयर करने का ऑप्शन रहता है, वहां से आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करके जब भी आप वो लिंक कहीं शेयर करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कहीं भी, और उस दिए हुए लिंक से जब कोई आदमी प्रोडक्ट बाई करता है तो आपको मिलता है कुछ परसेंटेज का कमीशन। अब दोस्तों इसको आप कैसे अर्न करोगे और इसका मतलब पूरा ट्यूटोरियल कि इसको अर्न करने के लिए आपको ट्रैफिक कहां से लाना होगा, पेज कैसे जनरेट करना होगा, ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को 1, 2, 3 कई पार्ट्स में करके वीडियो में समझाने वाला हूं। सो फ्रेंड्स चलिए आज के इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं कि कैसे आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एंड अदरवाइज ऑल इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले ज़्यादा आगे बढ़े वीडियो पर बस दबा दीजिए अपने फिंगरप्रिंट के लाइक बटन को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकली यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे जो आपके लिए हमेशा आती रहती है मेरे चैनल पर। इस काम को करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, जैसे कि पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये आपके पास फिजिकली भी होना ज़रूरी नहीं है, आपको कहीं भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस पैन कार्ड का नंबर और बैंक अकाउंट के नंबर IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड जिस पर आपका टैक्स लगेगा, क्योंकि यह जेन्युइन कंपनी है अमेज़ॉन और आपके टैक्स के साथ वो आपका टैक्स भी जमा करती है। सो फ्रेंड्स बैंक अकाउंट जिसमें आप पैसा लेंगे, तो ये दोनों चीज़ आपके पास होना कंपलसरी है। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने वीडियो भी बना रखा है कैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई भी MAB चार्ज वगैरह उस पर नहीं लगता, जाइए उसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब चलिए बात कर लेते हैं कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करें। सो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रक्रिया है वो आपको मैं लाइव अपने कंप्यूटर में दिखाऊंगा, आप इसको अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, सेम मेथड है, रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो फ्रेंड्स आप जहां भी अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर जहां भी हो, चलिए वहां पर क्रोम ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स या जो भी ब्राउज़र आप ओपन करना चाहें उसको ओपन करके रेडी हो जाइए। सो फ्रेंड्स यू कैन सी नो मैं अगर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आपको सिंपल सा कंप्यूटर मोबाइल जहाँ भी हो मोजिला या क्रोम ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको गूगल में जाना है और वहाँ पर जो है आपको सर्च करना है अमेज़ॉन एफिलिएट। तो जैसे मैं अमेज़ॉन एफिलिएट टाइप कर देता हूँ, आपको सिर्फ इतना ही लिख के सर्च कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने पहला जो वेबसाइट ओपन होगी एफिलिएट इन एसोसिएट सेंट्रल करके, उस पर आपको क्लिक करना है, यही है मेन वेबसाइट इसकी। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन रहेगा पहला साइनअप का, दूसरा लॉगिन का। तो आपका अकाउंट नहीं बना इसलिए आप साइनअप पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको देख रहे हैं कि आपको लॉगिन का ऑप्शन है, तो लेकिन आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर नीचे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड डाल के सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। तो मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स जैसे अपनी फ़िलअप कर दिया हूँ और आपको क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो ईमेल आईडी डाले हैं उस पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, तो उसको आपको OTP को एंटर करना है। इसके लिए आपको वो ईमेल आईडी ओपन रखनी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे वो ईमेल आईडी पासवर्ड आएगा तो उस पासवर्ड को देख लेता हूँ, जैसे कि आ चुका है। तो मैं यहाँ पर इस OTP को देख सकते हैं, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी कर लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आके इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे वेरीफाई हो गया, आप यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी है, पेई नेम जिसके नाम से पेमेंट लेंगे आप, उसका नाम, उसका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ़िलअप करनी है। तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स अपनी फ़िलअप कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी डिटेल्स फ़िलअप कर दी हैं और आपको हेल्प हो जाए कि कैसे अपना फ़िलअप करना है। इसके लिए मैंने सारी डिटेल्स भी जैसे फ़्लैट नंबर या हाउस नंबर, आपका एरिया जो कि गाँव सिटी हो वो लिख देना है, गाँव सिटी का नाम। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ मोबाइल नंबर, साथ में नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको लिखा है आर यू US टैक्स पर्सन, तो आपको नो कर देना है क्योंकि आप इंडियन हैं, इसलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब लोडिंग लेने के बाद एक स्टेप आपको कंप्लीट हो गया। अब आपके पास आपका
फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब चैनल, वेबसाइट जो भी हो उसका URL आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ कॉपी कर देता हूँ URL। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया अपने यूट्यूब चैनल की URL। अब यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड हो रहा है आपका। इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में दोस्तों आपको कोई एक अपनी एसोसिएट ID चुननी है, जो आप अपने मन मुताबिक भी चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ 1234567890 नंबर की ID होनी चाहिए। बाकी अगर कुछ कम होगा तो कर लेंगे। यहाँ पे आपकी वेबसाइट या चैनल का URL दिखेगा। यहाँ पर दिखेगा कि आपकी वेबसाइट मतलब किससे रिलेटेड है, किस जानकारी प्रोवाइड करती है कि आपकी वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। चलिए थोड़ा सा एडिट करते हैं, मिल्क ज़्यादा डाल दे, थोड़ा सा एडिट करते हैं। वी प्रोवाइड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमको एडिट करना है प्राइमरी टॉपिक। और यहाँ पे हम टेक्निकल सामान सेल करना चाहेंगे तो मैं टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो जिस मतलब रिलेटेड आपका चैनल या वेबसाइट हो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ दोनों में मैं अलग अलग सेलेक्ट कर लिया हूँ। कुछ प्रोडक्ट ब्रांड दिए गए हैं जिनके रिलेटेड मैं एफिलिएट मार्केटिंग बना रहा हूँ, जिनको मुझे लगता है कि ज़्यादा सेल कर पाऊँगा, तो उसको आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मार्क कर ले रहा हूँ सबको। और नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है कि आप मतलब किस टाइप के और भी प्रोडक्ट जो हैं, और भी किस टाइप के प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जो ऊपर सेलेक्ट किए हैं उसको मत सेलेक्ट कीजिएगा, कुछ अलग कीजिएगा। सो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। ये मैंडेटरी होता है दोस्तों, लेकिन आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सो इसमें लिखा है कि आपकी वेबसाइट मतलब किस काम में आती है, क्या सर्विस देते हैं आप। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपका ब्लॉग है या कोई यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया नेटवर्क है, जो भी इनमें से हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मेरा अदर है और भी चीज़ें हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अब दूसरे में पूछ रहा है कि आप अपनी वेबसाइट पर से इनकम कैसे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे थर्ड पार्टी एफिलिएट नेटवर्क से भी करते हैं हम अपनी वेबसाइट पर, और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग भी करते हैं उसमें, ठीक है। मेरे पे गूगल ऐड भी आता है, एड्स भी आता है गूगल का। तो यहाँ पे इसे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे में भी आपको कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर लेना है, या सब कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लिखा है कि आप लिंक कैसे बिल्ड करते हैं। तो दोस्तों आप अगर HTML के जरिए बैनर कोड बनाते हैं तो वो भी मैनुअली बनाते हैं, अदर कुछ भी। तो मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद लिखा है कि हाउ मेनी विजिटर, कितने विजिटर आपकी वेबसाइट पर मंथली आते हैं। तो जैसे मेरे पे 5 से लेकर के 50,000 के बीच में विजिटर आते हैं महीने के, तो मैं यहाँ 50,000 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा है व्हाट योर प्राइमरी रीज़न अमेजोन, लिखा है कि इसमें रीज़न क्या है। तो इसमें लिखा है मोनेटाइज माई साइट, यानी कि मैं अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों हाउ डिड यू हियर अबाउट, आपने हमारे बारे में कैसे जाना, तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्च किया या कैसे। तो हमने इनके बारे में ऑनलाइन सर्च किया, तो यहाँ ऑनलाइन सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद एक कैप्चा दिया गया है आपको यहाँ पे, वो कैप्चा को आपको फिलअप करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कैप्चा को फिलअप कर देते हैं। इसके बाद इसको फिलअप करने के बाद आपको नीचे एग्री टू टर्म्स पे क्लिक कर देना है और फिनिश कर देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ गया है, शायद मैंने कैप्चा गलत डाल दिया था। तो मैं कैप्चा फिर से फिलअप कर देता हूँ। तो मैंने कैप्चा फिलअप कर दिया और यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ फिनिश हो गया, लिखा है कॉन्ग्रेट्स सूरज पांडे, थैंक यू फॉर अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम, योर यूनिक आईडी। ये आपकी आईडी रहेगी दोस्तों। यहाँ नीचे पूछ रहा है एंटर योर पेमेंट और टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप अपनी पेमेंट और पैन कार्ड वगैरह भी एंटर करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो बाद में कर दीजिए। इसके बाद मैं होम पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ आपको आपका कितना प्रोडक्ट शिपिंग हुआ, कितना अर्निंग हुआ, सारी जानकारियाँ यहाँ पे शो होंगी। साथ में दोस्तों प्रोडक्ट का लिंक कैसे प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए सर्च बार बना हुआ है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ DSLR, ठीक है। अब मैंने सर्च कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग ले रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारे कैमरे आ गए हैं। गेट लिंक बगल में क्लिक है और उसके बगल में कोने पे क्लिक है कि बना हुआ, इस पर क्लिक कर देंगे आप। इसके बाद आपको इतना बड़ा लिंक तो शेयर नहीं कर पाएंगे, तो इस शॉर्ट एन URL विद Amazon कर देंगे। तो अब ये लिंक आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब शॉर्ट होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आप जब भी इस लिंक को शेयर करके किसी को देंगे और उस लिंक से मतलब परचेज सामान परचेस करता है, तो आपको कुछ परसेंटेज की इनकम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और सो फ्रेंड्स, इससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। साथ में मैं आपको बता दूं, अब आइए नीचे पे है, देखते हैं हम। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके लिंक से कोई भी सामान परचेस करता है तो कितना मतलब सामान शिपिंग हुआ है, आपको कितने परसेंट की अर्निंग हुई है, टोटल कन्वर्सेशन कितना है, टोटल आपके लिंक पर क्लिक कितने आए,
कितने परसेंटेज पर आपने मतलब ऑर्डर किया, मतलब 100% लोगों को जो शेयर किया आपने तो उसमें से कितने परसेंट लोगों ने सामान खरीदा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ जी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट नीचे भी दिए गए हैं जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं जिस पर हाई कमीशन मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे और भी जानकारी है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, इसमें आप पेमेंट मेथड कैसे ऐड करेंगे, साथ में दोस्तों किस पर कितना कमीशन मिलता है, ये सारी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ और भी जानकारी बताऊँगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा ताकि ऐसी टेक्निकल और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए मिलूंगा फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।